हेलो एवरीवन वेलकम टू स्प्लेंडेड मॉम्स कैसे आप सब प्रीवियस uh, वीडियो में कल ही मैंने आपके साथ किंडरगार्टन वेकेशन प्लान शेयर किया था एंड थैंक यू फॉर लाइकिंग द वीडियो एंड फॉर द ट्रेमेंडेस रिस्पॉन्स आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ समर वेकेशन स्टडी प्लान फॉर माय डॉटर जो मैंने प्री प्लान करके रखा है आई वॉन्ट टू ब्रिज हर नॉलेज गैप इसके अलावा उसका कॉन्फिडेंस एंड क्रिएटिविटी इनक्रीज करना चाहती हूँ सो so, ये जो लंबा समर वेकेशन होता है ना अगर आप प्रॉपरली प्लान करो नॉट uh, लॉन्ग studying इंग आर्ट बस uh, कुछ uh, देर जैसे एक घंटा या दो घंटे अगर आप बच्चे को uh, uh, पढ़ाओ या फिर जहाँ पर वो लैक कर रहे हैं जो चीज़ उनको नहीं आती अगर वो आप सिखाओ ना तो ये वेकेशन बहुत स्मूथली uh, जाएगा और अच्छा खासा बच्चे का रिविजन हो जाएगा so, मेरी डॉटर जहाँ पर लैक कर रही है उन चीज़ों पर मैं वर्क करना चाहती हूँ साथ ही उसको जो पसंद है उस एक्टिविटीज़ uh, में भी मैं उसको डालूंगी सो हेयर वी गो दिस इज़ हाउ आई एम गोइंग टू प्लान सबसे पहले तो ये मेरी डॉटर की हिंदी बुक है इफ़ यू सी कुछ लेटर्स उसको प्रॉपरली लिखने नहीं आते क ख, ख, खरगोश उसको लिखना नहीं आता और आखिर के जो लेटर्स होते हैं र थ और य इसमें भी उसको ज़्यादा फर्क समझ नहीं आता सो टू प्रैक्टिस दैट एज जैसे मैंने कहा जहाँ पर वो लैक कर रही है उस पर मुझे वर्क करना है तो सबसे पहले आई वॉन्ट टू इम्प्रूव हर हिंदी हैंड राइटिंग सो so, हिंदी के जो लेटर्स होते हैं ना बहुत कवी होते हैं है ना बहुत बच्चों को लिखने में प्रॉब्लम होती है सो so, अगर आपके बच्चे हिंदी लेटर्स सीख रहे हैं या फिर ऑलरेडी लिखना आता है बट स्टिल यू वांट देम टू इम्प्रूव देयर हैंड राइटिंग तो डेफिनेटली इस वेकेशन पे उनकी हैंड राइटिंग पे आप वर्क करें हमेशा फोकस इंग्लिश हैंड राइटिंग पे नहीं हिंदी uh, पे भी हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए क्योंकि इंग्लिश लेटर्स से भी ना हिंदी लेटर्स लिखना थोड़ा सा टफ़ होता है एज यू सी हियर सो ये बुक मैंने ऑनलाइन ली थी फिजिक्स वाला पब्लिकेशंस की ये किताब है लिंक uh, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी सभी किताबों का जो भी मैं यूज करूंगी uh, अगर आपको चाहिए तो आप जरूर चेक करें देन नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट आई वांट माय डॉटर टू इंप्रूव इज हर स्पीकिंग स्किल्स सो दिस बास्केट जहां पर आप अपने डर्टी क्लोथ रखते हो वॉट इज दट कॉल्ड लॉन्ड्री बास्केट मैनो वॉट इज दिस Apple! What is this? Mojimelon! Butterfly! Bye bye! bye. Mosquito! Bee! Bee! moth So this moth. is Ring Stacker. What do you call this? Ring Stacker. इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स पर बहुत कमेंट्स आते हैं बट पेरेंट्स आप मुझे पूछते हैं कि बच्चों की स्किल्स इंप्रूव कैसे करें सो so, बच्चा इंग्लिश तभी बात करेगा जब उसको इंग्लिश वर्ड्स आएंगे राइट सो दिस इज़ द पिक्चर डिक्शनरी जो आई एम गोइंग टू यूज़ दिस वेकेशन जो रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं हमारे आसपास उनके रिलेटेड वर्ड्स उनके रिलेटेड पिक्चर डिक्शनरी बहुत काम आती है so, बच्चे कोई भी भी में में हो kindergarten में, class one, class two, class three, उनके लिए भी ये बुक बहुत सुटेबल रहेगी सो एज यू सी हेयर पिक्चर के साथ क्लियर पिक्चर्स के साथ नेम्स दिए गए हैं एंड इट इज रियली गुड सी मौत हम इसको बहुत बार पार्क में देखते हैं बट इवन आई डोंट रिमेंबर मैं बस इंसेक्ट या फिर कुछ ऐसे कह देती हूँ सो मौत बीटल ये सिंपल वोकेबलरी वर्ड्स होते हैं जो बच्चे को आनी चाहिए सो so, इस तरह से किचन अप्लायंसेस रिलेटेड क्लोथ्स रिलेटेड सो ये सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं इन दिस वेकेशन तो आई गॉट दिस ब्यूटिफुल बुक अगेन फ्राम एमेजॉन इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी नेक्स्ट देन मेरे बेटे ने अबैकस किया हुआ है ऑनलाइन क्लास वो अटेंड करता था बट फॉर माई डॉटर आई एम लुकिंग फॉर ऑफलाइन क्लास सो द हंट इज स्टिल ऑन वीकली एक या दो क्लास होती है एबैक्स की सो तो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू पुट हर इन एबैकस क्योंकि थोड़ा नंबर प्लेइंग बच्चे को आना चाहिए एंड शी इज़ इंटरेस्टेड ऑल्सो सो वो हो गया हिंदी हो गया देन वो कैबलरी देन मैथ के लिए एबैक्स ये सब सुनकर ये मत समझे कि बहुत ज़्यादा पढ़ना है नहीं सी पिक्चर डिक्शनरी के लिए मैक्सिमम दस पंद्रह मिनट डेली राइटिंग के लिए दस पंद्रह मिनट डेली एबैक्स क्लास तो वीकली ही होगी सो so, जब आप प्लान करें ना वैकेशन का तो बच्चों को लॉन्ग स्टडी आर्स मत दें स्ट्रेस नहीं करें छुट्टियों में एंजॉय भी करने दे बच्चे को बट द मोटिव द गोल इज टू इम्प्रूव एनहेंस देयर स्किल्स या फिर ब्रिज द नॉलेज गैप एंड जो भी स्किल्स वो लैक कर रहे हैं उन पे आपको वर्क करना है देन नेक्स्ट शी इज वेरी मच इंटरेस्टेड इन कलरिंग सो हेयर इज द सेट ऑफ ट्वेल्व बुक्स विच आई गॉट फॉर हर एक बुक लूंगी तो वो एक हफ्ते में फिनिश कर देगी सो आई हैव गॉट दिस मल्टीपल बुक्स दिस इज सेट ऑफ़ ट्वेल्व बुक्स एज यू कैन सी हेयर अभी वो पेंसिल शेडिंग पेंसिल से कलर करना सीख रही है अभी तक वो क्रेन से करती थी तो आई हैव गॉट दिस ब्यूटिफुल बुक्स सिम्पल बुक्स हैं मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बुक नहीं लाना चाहती आई वॉन्टेड टू स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक सो सभी कॉन्सेप्ट फ्लावर्स बर्ड्स एनिमल्स सी प्रोफेशन फिशेस एंड सी एनिमल्स डाइनासोरस कार्टून इस तरह के कार्टून

आई एम टीचिंग हर टू कलर इन वन डन मतलब इसे ऐसे होता है ना ऐसा नहीं स्क्रिबल करें नहीं आई वॉन्टेड टू डू प्रॉपर कलरिंग तो उसके लिए मैंने ये बुक्स सर्च करके लिए है एंड दिस आर रियली ब्यूटिफुल सो दीज आर द बुक्स विच आई गॉड फ्राम माई डॉटर मेरी डॉटर के साथ उसकी कज़न भी बैठ कर पढ़ेगी तो उसके लिए भी मैंने कुछ बुक्स ली हैं शीज इन किंडर गार्डन सो पैटर्न ट्रेसिंग सी हैंडराइटिंग इम्प्रूव करने के लिए टू स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक आपको पैटर्न ट्रेसिंग से स्टार्ट करना चाहिए दिस इज वन मोर सेट सेट ऑफ फोर बुक्स सुटेबल फॉर किंडरगार्टन किड्स चार किताबें इसमें आती हैं वीओसी ट्रेसिंग पैटर्न्स एंड शेप्स देन यू हैव दिस स्मॉल लेटर्स कैपिटल लेटर्स एंड नंबर बुक सो अगर आपके बच्चे किन्डर गार्डन में हैं मेरी डॉटर के साथ उसकी कज़िन बैठेगी तो उसके लिए ये किताबें हैं सो so, टुगेदर वो स्टडी करेंगे पार्टनर होगा तो वो ज़्यादा देर बैठ के पढ़ेंगे भी लिखेंगे भी सीखेंगे भी सो आर द बुक्स विच आई हैव गॉट फ्रॉम अमेजोन सभी बुक्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है अगर आपके पास बच्चे हैं जिनको आप पढ़ाना चाहते हैं वेकेशन प्लानिंग के लिए आपको बुक्स चाहिए तो इन बुक्स को डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हैं तो so, ये था आज का वीडियो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हेल्पफुल लगा तो जरूर लाइक करें शेयर करे और चैनल पे नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करें हैप्पी पेरेंटिंग फ्रॉम स्प्लेंडेड मॉम्स हैप्पी पेरेंटिंग फ्रॉम स्प्लेंडेड मॉम्स गिव अप इफ यू लाइक सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशंस ऑफ लेटेस्ट वीडियोस